रात को ये एक लफ्ज पढ़कर सो जाएं, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है ये सब झूठ है तो पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। मोहतरम नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में दौलत आ गई, आप रात को सोए तो सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करके देगा। आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप खर्च कर लें, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी परफेक्ट तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाल्लाह रात को जब आप ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला भी ना बने, कोई परेशानी भी न बने। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है या चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, पैसों से गुजारा ही नहीं होता, जितने मर्जी पैसे कमा लें, पैसे पूरे ही नहीं होते। इंशाल्लाह आज का ये वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक फरमा देंगे। गैबी हाथों से, गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज्क के हवाले से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह खत्म फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, अल्लाह पाक से आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो, और जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी हैं, आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह के फजल व करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत से माला माल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, इस तस्बीह से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में है, तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निकाल देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा कर देगा, ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिज्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि वजीफे की हमें समझ नहीं आई, वजीफे का हम किस तरह करें। तो मेरे भाइयों, इस वजीफे को अपने पास नोट फरमा लें। सबसे पहले मेरी उन तमाम बहनों से गुजारिश है, इस वजीफे को अपने खास अय्याम में बिल्कुल भी ना करना। ये अल्लाह पाक के तीन सफाती नाम मैं आपको बताऊंगा और साथ सूरत कोसर का वजीफा बताऊंगा, और आप रोजाना रात को सोते वक्त कर ले, इंशाल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस वजीफे को आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ तीन दिन करना है, तीन दिन आप पूरे यकीन के साथ कर लें तो सुबह आप उठकर देखेंगे, चौथे दिन तो आपके पास गैबी तरीकों से रिस्क माल दौलत आ चुका होगा। आपने बावजूद हालत में अपने बेड पर जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले तीन मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इस वजीफे से पहले पढ़ लें, और कोशिश करें कि जब आप ये वजीफा शुरू करें उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने सबसे पहले इन तीन नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे तीन नामों को एक दफा पढ़ेंगे तो वो एक शुमार होगा। मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के सामने, फिर आपने भी इस तरह पढ़ना है, या गनीयू, या वहाबू, या रज्जाकू,
एक शुमार करना है। फिर इसी तरह या गनीयू या वहाबू या रज़ाकू, दोबारा सुन लें, या गनीयू या वहाबू या रज़ाकू।